लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डॉपलर शिफ्ट के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, जिनमें से तकरीबन दो एप्लीकेशंस हम लोगों ने की थी। आज डॉपलर इफेक्ट की मज़ीद एप्लीकेशंस करते हैं। आज हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं शंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, जो कि हमारी रह गई थी पिछली वीडियो में। दो के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, एक रडार सिस्टम था और दूसरा हमारा डॉपलर शिफ्ट था। डॉपलर शिफ्ट क्या थी और रडार सिस्टम क्या, इसके बारे में होप्स आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि हम लोग इन्हें ये जो हैं दोनों ही एप्लीकेशन डॉपलर इफेक्ट पे किस तरह से बेस करती हैं। सिमिलरली आज की जो एप्लीकेशन है वो भी डॉपलर इफेक्ट पर ही बेस करती है। उस एप्लीकेशन का नाम है रडार स्पीड ट्रैप, वो भी रडार से ही है, रडार स्पीड ट्रैप। ये जो सिस्टम है, हमने कहा था कि हम जो डॉपलर इफेक्ट है उसे मुख्तलिफ इकसाम के सिस्टम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं डिटेक्शन वगैरह के लिए। डिटेक्शन इसलिए कि हम लोग जो है मुख्तलिफ इकसाम की जैसे सोर्स वगैरह हैं, जैसे कि कार्स हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, इनकी स्पीड और इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि डॉपलर इफेक्ट के ऊपर बेस करते हैं, जिससे हम लोग हमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो है हमारी वो सोल्व डाउन हो जाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने रडार सिस्टम की बात की थी, तो रडार सिस्टम को इस्तेमाल करने से हम लोगों के लिए ये फायदा हुआ कि हम लोगों को मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक से आने वाले जहाज़ों के बारे में इल्म हो जाता है कि वो किस इरादे से आ रहे हैं। सिमिलरली हम लोगों को रेड शिफ्ट के बारे में पता चल जाता है। इसी तरह आज हम लोग रडार स्पीड ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। रडार स्पीड ट्रैप एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मोटर वे स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि ये हमें जो कार्स वगैरह या मुख्तलिफ किस्म की बाइसिकल मोटर बाइक्स वगैरह उनकी स्पीड फाइंड आउट करने में मदद करता है। हमें ये पता चलता है कि आया कि जो कार या बाइसिकल मूव कर रही है उस रोड के ऊपर वो कितनी तेज़ी से मूवमेंट शो कर रही है। वो ये जो है रडार स्पीड ट्रैप, ये जो सिस्टम है ये माइक्रोवेव्स इमिट करता है, और जो माइक्रोवेव्स ये इमिट करता है वो इस कार से जो है टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो है उनकी स्पीड लिखी जाती है, उनकी जो इमिट होने वाली जो रिफ्लेक्टेड बैक आपके पास आती हैं वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर, उन वेवलेंथ की मदद से आप लोगों के पास यहाँ पर स्पीड लिखी जाती है। इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पर स्पीड लिखी जाती है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये जो कार है ये कितनी स्पीड के साथ मूवमेंट शो कर रही है। फर्ज कर लीजिए कि अगर उस जगह पर या उस इलाके में ये कंडीशन है कि आपकी कार की जो स्पीड है वो तकरीबन 50 है, मतलब कि उन्होंने लिख दिया है कि ये जो 50 है ये आपकी लिमिट है, इस तरह से लिखकर उन्होंने ऊपर लगाया होता है बोर्ड के। लेकिन अगर आपकी जो कार की स्पीड है वो 50 क्रॉस कर जाती है, यानी कि आप इससे इस तरह से समझ लीजिए कि 50 किलोमीटर पर सेकंड है, इस तरह से है, बल्कि मीटर पर सेकेंड है, किलो का रहने दीजिए, 50 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपकी कार की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत तेज़ी से मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है कार की वो डिटेक्ट हो जाती है, वो नज़र आ जाती है कि आप फर्ज कर लीजिए कि आप उस वक्त 60 की आप जो वेवलेंथ डिटेक्ट हुई हैं उन्होंने इस डिवाइस के ऊपर यहाँ पर आकर जो है वो वेवलेंथ स्पीड दिखा दी है कि आपकी कार की जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या होता है, यहाँ पर गार्ड्स वगैरह होते हैं जो कि इस सिस्टम पर आने वाली स्पीड की वजह से आपको रोक लेते हैं वहाँ पर और आपको चलान वगैरह हो जाता है। इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है कंडीशन होती हैं कि वहाँ पर गाड़ी कितनी आहिस्ता चलाई जाए या कितनी तेज़ चलाई जाए। तो इस रडार स्पीड ट्रैप का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम मोटरवेज वगैरह पर स्पीड ऑफ व्हीकल्स वगैरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई कार या कोई बाइसिकल कितनी तेज़ी से मूवमेंट शो कर रही है, क्या वो ओवर स्पीड तो नहीं मूवमेंट शो कर रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों की जानें वगैरह भी बचाई जाती हैं और उनको ये कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है कि उन्हें इसी लिमिट के अंदर रह कर अपनी जो व्हीकल्स वगैरह हैं उन्हें ड्राइव करना है। ये मुख्तलिफ इकसाम के इमेजेस हैं जिससे आप आसानी समझ सकते हैं कि जो कार्स वगैरह या व्हीकल्स वगैरह मोटरवे से पास आउट हो रही होती हैं उनकी स्पीड को ये जो रडार स्पीड ट्रैप है जो कि मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियों वगैरह में भी लगा होता है ये जो है वेवलेंथ इमिट करता है। और वेवलेंथ जब आपकी कार से टकरा कर रिफ्लेक्टेड बैक होती है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है इस गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर ये रडार स्पीड ट्रैप लगा है, उस गाड़ी के अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि फ़ौरन से डिटेक्ट करके बता देता है कि आपकी कार की स्पीड कितनी है और आप कितनी तेजी से मूवमेंट शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर खड़े हुए गार्ड्स या जो आर्मी की गाड़ी है
वो फ़ौरन से रोक कर आप लोगों को ये क्या अलर्ट कर देती है कि आपकी स्पीड इस इलाके में इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ इकसाम की इमेजेस हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि रडार स्पीड ट्रैप का हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये डॉपलर शिफ्ट पर ही, डॉपलर इफेक्ट पर ही बेस करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जो है वेवलेंथ को इमिट करते हैं और जो वेवलेंथ डिटेक्ट होकर वापस हमारे पास आती है तो हमें फ्रिक्वेंसी का भी पता चल जाता है एज वेल एज हमें स्पीड का भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि रडार स्पीड ट्रैप जो है वो हमारे डॉपलर इफेक्ट पे बेस करता है। इसी तरह से एक और सिस्टम होता है जिसे हम लोग सोनर सिस्टम कहते हैं। ये सोनर सिस्टम है जो कि डॉपलर इफेक्ट पर ही बेस करता है। सोनर जो है ये एक एब्रीवेशन है, इसका ये जो है एब्रीवेशन है इस पूरे चीज की, साउंड साउंड नेविगेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। जो सोनर सिस्टम है वो इस चीज़ की एब्रीवेशन है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनर सिस्टम को हम लोग जो है वो ज़्यादातर मेरीन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोनर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर किसी भी एनिमी किसी भी चीज़ की डिटेक्शन कर सकते हैं। इजीली हमें ये पता चल जाता है कि आया कि समुंदर की सतह के नीचे कोई दुश्मन जहाज तो नहीं मौजूद या कोई ऐसी किस्म की चीज़ मौजूद हो जिससे हमारे मुल्क को या इस पानी को जिसके अंदर हम जा रहे हैं इसे कोई खतरा हो। तो सोनर सिस्टम जो है उसे हम लोग मेरीन पर्पसेस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉपलर इफेक्ट के ऊपर ही बेस करता है। ये मुख्तलिफ इकसाम के इमेजेस हैं जिससे आप सोनर सिस्टम को इजीली समझ सकते हैं। सो आपको याद हो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा है कि मुख्तलिफ जो हैं शिप्स वगैरह उनसे जो वेव है वो समुंदर की तह तक भेजी जाती हैं और जब वो वेव रिफ्लेक्ट बैक होकर आती हैं तो आपकी जो शिप वगैरह है या आपकी जो भी बोट है उसके अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसपे ये वेव्स आके डिटेक्ट कर देती हैं कि समुंदर की सर्फेस के नीचे कोई भी अंडरग्राउंड सिस्टम हो, कुछ भी सिस्टम हो, कोई एरोप्लेन हो, कोई जहाज हो, बहरी जहाज है जो कि समुंदर की तह में है, कुछ भी ऐसी चीज है, हत्ता कि कोई ऐसे बॉक्सेस वगैरह जिसमें मुख्तलिफ इकसाम का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो समुंदर की सतह के नीचे है, मुख्तलिफ इकसाम के लोग या आर्मी जो है वो समुंदर के नीचे छुपी हुई है, तो आपको इस सोनर सिस्टम की बदौलत पता चल जाता है कि समुंदर की सतह के नीचे क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या क्या चीजें नहीं मौजूद। तो ये जो सोनर सिस्टम है इसे हम लोग मोस्टली जो है मिलिट्री पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, चूँकि मिलिट्री जो है हम किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी होती है उसकी हिफाजत के लिए, तो सोनर सिस्टम या डॉपलर इफेक्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है। और डॉपलर इफेक्ट की वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने सोनर सिस्टम बना लिया। सोनर सिस्टम जो है वो हमें हेल्प आउट करता है समुंदर की सतह के नीचे मौजूद किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में। जो सोनर सिस्टम है वो वेवलेंथ जो है मुख्तलिफ इकसाम की वेवलेंथ इमिट करता है, वो समुंदर की तह तक जाती हैं और वापस आती हैं और आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर इमिट कर देती हैं कि नीचे जो जाके वो जिस चीज से टकराई हैं, टकराने की वजह से वेवलेंथ में क्या कमी आई है या क्या इजाफा आया है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो डिटेक्ट कर देता है कि आया कि समुंदर के नीचे क्या चीज़ मौजूद है, कोई जहाज मौजूद है, कोई मेरीन एलिमेंट एनिमल है जैसे फिशेज वगैरह हैं वो हैं, या कोई अंडरग्राउंड सिस्टम अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम मौजूद है पानी की सतह के नीचे, या फिर जो है और इस और एक और बात होती है कि वेवलेंथ के वापस आके रिफ्लेक्ट बैक रिफ्लेक्ट होने से जब वो कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम देती है वापस आकर, इसके अलावा आपकी फ्रीक्वेंसीज में भी चेंज आती है जिसकी वजह से आप लोगों को डिटेक्शन में आसानी हो जाती है कि समुंदर की सतह के नीचे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इस सोनर सिस्टम के ज़रिए आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि अर्थ के नीचे मुख्तलिफ इकसाम के वेपन्स वगैरह भी होते हैं, आप उन्हें भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थ के नीचे नहीं बल्कि समुंदर की सतह के नीचे मुख्तलिफ इकसाम के वेपन्स वगैरह भी दुश्मनों ने छुपाए होते हैं या आपके मुल्क के अपने लोग भी छुपा सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ इकसाम की सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है अर्थ के समुंदर के नीचे पहले से ही कुछ वेपन्स वगैरह मौजूद हों या कुछ गोल्ड वगैरह किसी बॉक्स में कुछ भी चीज़ मौजूद हो सकती है, कोई अंडरग्राउंड सिस्टम हो सकता है, मेरीन एनिमल्स हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस सोनर सिस्टम की वजह से आप लोग काफ़ी कुछ मालूम कर सकते हैं समुंदर की तह के नीचे, यानी कि समुंदर की सतह के नीचे आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं कि समुंदर की सतह के नीचे सोनर सिस्टम की बदौलत आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको नुकसान हो सकता है और क्या चीज़ें ऐसी हैं समुंदर की तह के नीचे जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। समुंदर की तह नहीं बल्कि समुंदर की पानी की जो सतह है इससे नीचे
क्या है जो आप बज़ाहिर आम आंख से नहीं देख सकते, आप उसे कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए देखते हैं, और वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपको सोनर सिस्टम की वजह से ही पता चलता है कि सोनर सिस्टम की वजह से ही उस आपकी जो शिप के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आपको डिटेक्ट करके बता देता है कि जो वेवलेंथ आप अपनी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आप अपनी बोर्ड से नीचे इमिट कर रहे हैं उसके रिफ्लेक्ट बैक होने से क्या इमेज बनता है और क्या इमेज नहीं बनता, जिससे आप आसानी मालूम कर सकते हैं कि समुंदर की ये पानी की जो तह है इसके नीचे क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये कुछ सोनर सिस्टम के बारे में था, और इससे पीछे हम लोगों ने जो है वो रडार स्पीड ट्रैप के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा जो बैट्स होते हैं ना, कुदरत ने भी इतना अच्छा निज़ाम रखा है कि चमगादड़ वगैरह जो है बैट्स हैं वो भी नेविगेशन के ज़रिए ही अपनी जो खुराक वगैरह है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम लोग बैट्स नेविगेशन कहते हैं। और मोस्टली हम लोग बैट्स नेविगेशन को भी डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं कि जो बैट्स अपनी खुराक वगैरह फाइंड आउट करते हैं, अपना रास्ता तलाशते हैं, वो भी नेविगेशन के थ्रू ही, और नेविगेशन चीज़ को हम लोग जो है वो डॉपलर इफेक्ट के अंदर रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो बैट्स नेविगेशन है ये उनके खुराक हासिल करने का तरीका जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट पे ही बेस करता है। तो ये डॉपलर्स इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन थी जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की है।